कहानी शुरू होती है हमारे शो की फीमेल लीड योशु का फुतावा से। कुछ हाई स्कूल गर्ल्स उसके बारे में बातें करती रहती हैं कि वो बॉयज के सामने इनोसेंट बनने की एक्टिंग करती है, कल से हम उससे दूर रहेंगे। ये बात योशु सुन लेती है। बारिश में जाते हुए वे एक जगह रुक जाती है और वहाँ पर एक बॉय तनाका को देखती है जो है हमारा मेन लीड। तनाका योशु को हेलो बोलता है और उसके देखने पर पूछता है कि क्या कुछ हुआ है। योशु मना कर देती है। तनाका उसे देखकर अपनी टी शर्ट देकर कहता है कि अपने हेयर ड्राई कर लो, मैंने इसे अभी तक यूज नहीं किया। योशियो के थैंक यू बोलने पर तनाका स्माइल करके कहता है कि बस एक बार पहना है और हंसने लगता है। योशियो अपने हेयर ड्राई कर लेती है। नेक्स्ट डे स्कूल में वह तनाका को ही देखती रहती है और तनाका के देखने पर दोनों स्माइल करने लगते हैं। घर जाते हुए योशियो तनाका को देखकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तनाका कहता है कि तुम्हारा वेट, कल से समर ब्रेक स्टार्ट हो जाएंगे और उसे लैंटर्न फेस्टिवल में मिलने के लिए बोलकर चला जाता है। योशियो उसे देखकर स्माइल करती है और रेडी होकर फेस्टिवल में आ जाती है। योशियो पूरा दिन तनाका का वेट करती रहती है बट वह नहीं आता। नेक्स्ट डे स्कूल आने पर योशियो को पता चलता है कि तनाका का स्कूल ट्रांसफर हो चुका है। वह शॉक हो जाती है और उसे ही मिस करके रोती रहती है। समर ब्रेक पूरे हो चुके हैं और योशियो अब कॉलेज में आ चुकी है बट योशियो तनाका को मिस करती रहती है। क्लास ओवर होने पर ची और अजूमी आकर योशियो को कैफेटेरिया चलने के लिए कहती है। बॉयज यूरी से पूछते हैं कि तुम आज क्लास में लंच क्यों नहीं कर रहे हो। यूरी कहती है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ बाहर जाकर लंच करूंगी। अजूमी उसे देखकर कहती है कि हमेशा बॉयज के सामने क्यूट बनने में लगी रहती है जबकि है नहीं। कैफेटेरिया से आते हुए दूसरी क्लास के बॉयज योशियो को देखकर उसे क्यूट बताते हैं। योशियो सुनकर अजीब बिहेव करने लगती है जिससे बॉयज उसे क्यूट ना कहें। अजूमी और ची उसे क्यूट गर्ल्स की तरह बिहेव करने से मना करती हैं कि नहीं तो बॉयज तुम में इंटरेस्टेड होंगे। योशियो कहती है कि मुझे यूरी जैसा नहीं बनना। जाते हुए योशियो के किसी से टकराने पर उसका ब्रेड गिरने पर वह लड़का पकड़ लेता है। योशियो के सॉरी बोलने पर वह उसे केयरफुल रहने के लिए बोलकर जाता है। योशियो को लगता है कि वो तनाका है और दौड़कर उसके पीछे जाती है। तनाका को आवाज लगाने पर वह नहीं सुनता। तभी एक लड़का उसे बाबूची बुलाता है। वह तनाका ही होता है और योशियो को देखकर चला जाता है। घर जाते हुए योशियो तनाका को देखकर उसके पीछे जाती है। योशियो के उसे तनाका बुलाने पर वह कहता है कि मेरा नाम बाबूची है। योशी सॉरी बोलकर जाती है। तनाका का पुराना डायलॉग बोलने पर योशी कहती है कि मुझे पता था तुम ही हो। तनाका कहता है कि मेरे पेरेंट्स के डाइवोर्स के बाद मैंने अपना नाम चेंज कर लिया, अब मैं तनाका नहीं माबूची हूँ। योशी खुश हो जाती है कि हम सेम स्कूल में हैं और पूछती है कि तुम कौन सी क्लास में हो। तनाका के क्लास 1 बताने पर वह उसे स्मार्ट बताकर पूछती है कि क्या तुमने मुझे पहले नोटिस नहीं किया। तनाका कहता है कि मैं बता चुका हूँ कि मैं माबूची हूँ, तनाका नहीं। तुम हमेशा शाय और चुप रहती थी बट अब तुम पीठ पीछे किसी की बुराई भी करने लगी हो। योशी कहती है कि मैं यूरी की तरह एक्टिंग नहीं कर सकती, मुझे डर है कि कहीं मैं अपने फ्रेंड्स ना खो दूं, इसीलिए उन्हीं की तरह रहती हूँ। तनाका कहता है कि वो फेक फ्रेंड्स हैं और उसे बुरा बताकर चला जाता है। योशियो सैड हो जाती है। यूरी का हैंकी योशियो के पास आने पर वो उसे वापस देने चाहती है और यूरी के किचन को देखकर उसे क्यूट बताती है। यूरी कहती है कि मेरे पास तो है, तुम चाहो तो ये ले सकती हो बट योशियो कह देती है कि ये मेरा स्टाइल नहीं है और जाती है। यूरी योशियो को उससे बात करने के लिए थैंक यू बोलती है क्योंकि क्लास में सब लोग उसे नफरत करते हैं। यूरी कहती है कि अगर बॉयज तुम्हें क्यूट बताएं तो ये कोई बुरी बात नहीं है। योशियो उससे टैडी ले लेती है। क्लासरूम वापस आने पर योशियो के पास टैडी देख कर अजूमी पूछती है कि ये कहाँ से आया और योशियो के बताने पर कहती है कि यूरी से बात मत किया करो, वो सिर्फ बॉयज की अटेंशन पाने के लिए ऐसा करती है। योशियो को ये सुनकर अपना टाइम याद आ जाता है और वह अजूमी और ची से यूरी का मजाक बनाने पर बहस करने लगती है कि तुम उससे जेलस हो क्योंकि तुम उसके जैसी नहीं बन सकती। यूरी के आने पर दोनों चली जाती हैं। तनाका दोनों को योशियो को बुरा बोलते हुए देख लेता है। तनाची तनाका से कहता है कि तुम्हारे मार्क्स को क्या हुआ, मैंने बोला था ना ये तुम्हारा लास्ट चांस है बट वह बिना आंसर के ही चला जाता है। अजूमी और ची ने यूरी से फ्रेंडशिप तोड़ दी है। मॉर्निंग में वह सैड होकर बैठी रहती है। तनाका आकर पूछता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ क्या हुआ। योशियो कहती है कि तुम्हें ना तो बोला था कि वे फेक फ्रेंड्स हैं। तनाका कहता है तो गलती मेरी है। योशियो रोते हुए कहती है कि गलती मेरी है क्योंकि मैं सेल्फिश हो गई थी। बॉयज को आते हुए देखकर तनाका उसे हक कर लेता है ताकि कोई योशियो को रोते हुए ना देखे। योशियो के उसे तनाका बुलाने पर वह कहता है कि तनाका जा चुका है, मैं माबूची हूँ और जाता है। योशियो तनाका को उसके फर्स्ट नेम कोउ से बुलाती है कि माबूची से स्ट्रेंजर सा लगता है, क्या मैं तुम्हें कोउ कह सकती हूँ। तनाका कहता है कि जो मर्जी वो करो और चला जाता है।
अजुमी और ची योशियो से बात नहीं करती। योशियो ने सॉरी बोलकर कहती है कि मुझे इतना रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी। अजुमी कहती है कि हम तुमसे नफरत नहीं करते, बट तुम हमारे साथ फिट नहीं हो सकती, और चली जाती है। यूरी सुन लेती है और योशियो के साथ घर चलने के लिए कहती है। वह खुश हो जाती है। एग्जाम रिजल्ट आ चुके हैं, योशियो पास हो गई है। क्लासरूम आने पर योशियो तानाको को वहाँ देख कर पूछती है कि तुम यहाँ कैसे, तुम तो क्लास वन में हो ना। तानाका कहता है कि मेरे मार्क्स कम होने पर मुझे क्लास वन से यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। योशियो खुश हो जाती है और तानाका को सबके साथ बातें करते हुए देखकर कहती है कि ये यहाँ कितना जल्दी एडजस्ट हो गया। तानाका के देखने पर वह नजरें हटा लेती है और दोबारा देखकर स्माइल करने लगती है। यूरी आकर योशियो को गुड मॉर्निंग विश करती है। दो गर्ल्स यूरी के बारे में बातें करती रहती हैं कि लास्ट ईयर इस गर्ल से सब नफरत करते थे और उसे बुरा बताती हैं। यूरी सुनकर चली जाती है। योशियो कुछ सोचकर यूरी के पास आकर उसे उसका दिया टैटू दिखाती है कि अब हम सेम हैं। यूरियो को अच्छे से बात करते हुए देखकर गर्ल्स कहती हैं कि शायद ये बुरी नहीं है, और योशियो को देखकर कहती हैं कि इसने अपने फ्रेंड्स के साथ फाइट की थी, शायद ये दोनों ही बुरी हैं। ये है मुराओ, इसे किसी से ज्यादा बातें करना पसंद नहीं है। वह ईयरफोन लगाकर बुक रीड करने लगती है और योशियो के हाय बोलने पर भी नहीं सुनती। योशियो सैड हो जाती है। तानाका उसे देखता रहता है। तानाजी नोटिस बोर्ड पर लीडरशिप ट्रेनिंग नोटिस लगाकर जाता है। मुराओ देखकर चेक करती है और उसमें इवेंट एडवाइजर का नाम तानाजी देखकर उसकी फोटो क्लिक करती है। बट एक लड़का बीच में आ जाता है कि क्या तुम हमारे साथ बाहर घूमने चलोगी। मुराओ मना कर देती है कि मुझे इस क्लास में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और चली जाती है। यह कामिनातो जो मुराओ को लाइक करता है। योशियो को रास्ते में दिखाते हैं। वह वहाँ पर बच्चों को खेलते हुए देखकर स्माइल करने लगती है। तानाका आकर कहता है कि रूड गर्ल छोड़कर स्वीट बनने की सोच रही हो क्या। योशियो कहती है कि मैंने सोचा था कि न्यू क्लास में दोबारा से लाइफ स्टार्ट करूंगी, बट ये सब इतना इजी नहीं है। मुझे लगा था कि मैं क्लास में पॉजिटिव वाइब्स ले आऊंगी। तानाका उसे देखकर कहता है कि तुम्हारे ट्राई करने या ना करने से किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ, जो करना चाहती हो वो क्यों नहीं करती, और चला जाता है। योशियो स्माइल करने लगती है। नेक्स्ट डे कॉलेज में टीचर स्टूडेंट से क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए कहती है, बट कोई भी हाथ नहीं उठाता। योशियो कुछ सोचकर कह देती है कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव मैं बनूंगी, और बाकी स्टूडेंट से बॉय क्लास रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड करने के लिए कहती है। कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। तानाका सब कुछ देखता रहता है। योशियो कहती है कि मैं इस क्लास को सैड नहीं हैप्पी बनाना चाहती हूँ, क्या कोई मेरी हेल्प करेगा। तभी कोई अपना हाथ उठाता है, जो होता है तानाका, जो है क्लास का बॉय रिप्रेजेंटेटिव। योशियो के तानाका को देखने पर वह पूछता है कि क्यों देख रही हो। योशियो के थैंक यू बोलने पर तानाका कहता है कि मैं बस ये सब जल्दी खत्म करके घर जाना चाहता था, और स्टूडेंट से श्री इवेंट एडवाइजर बनने के लिए कहता है। मुराओ के हाथ खड़ा करने पर कामिनातो भी अग्री हो जाता है, और तीसरी है हमारी यूरी। योशियो सबको थैंक यू बोलती है। टीचर बताती है कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव और एडवाइजर को 3 days और 2 nights की लीडरशिप ट्रेनिंग दी जाएगी। आज ट्रेनिंग का फर्स्ट डे है। योशियो सबसे दिए गए टॉपिक पर ग्रुप डिस्कशन करने के लिए कहती है। कामिनातो कहता है कि ट्रेनिंग के लिए कैंप जाना चाहिए था, यहाँ नहीं। मुराओ टॉपिक एक्सप्लेन करके कहती है कि टीचर तानाजी ने क्लास में बताया था, क्या तुमने नहीं सुना। कामिनातो कहता है कि टीचर तानाजी की बोरिंग बातें कौन सुनता है। तीनों अपने अपने में लगे रहते हैं। तभी तानाका आ जाता है। कामिनातो कहता है कि वाह, क्लास रिप्रेजेंटेटिव ही लेट है। तानाका कहता है कि मैं सो रहा था। टीचर आकर कहते हैं कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और तुम। तानाजी आकर कहता है कि सॉरी, ऐसा दोबारा नहीं होगा। योशियो कहती है कि टीचर सॉरी क्यों बोल रहे हैं। तानाजी के तानाका को देखने पर वे कहता है कि मैं खुद हैंडल कर लूंगा। तानाजी उसे रात होने से पहले सॉरी लेटर सबमिट करने के लिए कहकर चला जाता है। मुराओ तानाका से कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्रिएट करने पर टीचर को प्रॉब्लम होगी, तो थोड़ा केयरफुल रहो। तानाका कहता है कि मैं ऐसा ही हूँ, इसका मेरे भाई से कोई लेना देना नहीं है। योशियो शॉक हो जाती है कि भाई। कामिनातो बताता है कि तानाजी तानाका का भाई है। मुराओ पूछती है कि क्या तुम तानाजी के साथ रहते हो। तानाका कहता है कि अकेला रहता है, और मैं डैड के साथ, हम बस सेम स्कूल में हैं। योशियो के मॉम के बारे में पूछने पर तानाका कहता है कि बस मैं हूँ। टीचर आकर कहते हैं कि ग्रुप डिस्कशन का टाइम ओवर, क्लास वन की रिप्रेजेंटेशन चलती रहती है। योशियो ने अच्छा बताती है। यूरी कहती है कि तुमने क्या लिखा है। योशियो कहती है कि कुछ खास नहीं, अब टर्न है क्लास 3 का। योशियो के शौक होने पर तानाका कहता है कि तुमने कुछ नहीं लिखा क्या, और योशियो के कुछ ना बोलने पर शीट देखता है। उसमें सिर्फ ग्रेट मेमोरीज लिखा देखकर वह योशियो को देखता है। टीचर के प्रेजेंटेशन देने के लिए बोलने पर तानाका खड़ा होकर उन्हीं 2 words से पूरा आंसर दे देता है। टीचर उसके आंसर को अच्छा बताते हैं।
योशियो के देखने पर तानाका कहता है कि ऐसे क्या देख रही हो, तुमने तो यही लिखा था ना। रात में योशियो क्लास में होती है, तानाका योशियो को वहाँ देखकर उसके पास आता है। योशियो तानाका को अमेजिंग बताकर कहती है कि तुम सब कुछ इजीली कर लेते हो, बट मुझसे हार्डवर्क करने पर भी कुछ नहीं होता, काश मैं तुम जैसी होती। तानाका भी वहीं आकर बैठ जाता है और कहता है कि तुम मुझसे ज़्यादा बेटर हो। योशियो उसे देखती है, तानाका के टर्न करने पर वह योशियो को देखकर वापस टर्न हो जाता है कि तुम्हें मेरे जैसा नहीं बनना चाहिए। योशियो पूछती है कि तुम माबुची क्यों बने और उसके हेयर टच करते हुए उसकी क्लोज आ जाती है। तानाका कहता है कि जो चला गया उसकी फिक्र किसे है। योशियो उसे रोककर कहती है कि मुझे है, तुम अचानक से गायब होकर अचानक से वापस आ गए, मुझे कुछ समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है। तानाका कहता है कि धीरे बोलो और उसके शोल्डर पर अपना सर रखकर कहता है कि लैंटर्न फेस्टिवल के लिए सॉरी, मैं आने वाला था बट घर पर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तुम्हें वेट कराने के लिए सॉरी। योशियो भी सॉरी बोलकर कहती है कि वो टाइम मेरे लिए भी हार्ड रहा। तानाका एप्लीकेशन सबमिट करने चाहता है। तानाची एप्लीकेशन लेकर कहता है कि वो प्रेजेंटेशन तुमने बिना लिखे बोली थी ना। तानाका कहता है कि अगर तानाका होता तो यही बोलता। सब लोग सोते रहते हैं और योशियो तानाका का दिया आंसर लिखती रहती है। मॉर्निंग में योशियो विंडो से तानाची को एक गर्ल के साथ जाते हुए देखकर चुपके से उसके पीछे जाती है और उनकी बातें सुनने लगती है। वह लड़की तानाका से कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे, बट तानाका मना करके सॉरी बोल देता है। योशियो देखती रहती है। उस लड़की के जाने के बाद योशियो भी जाती है और तानाका से टकरा जाती है। तानाका पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या छिपकर हमारी बातें सुन रही थी। योशियो के मना करने पर तानाका चाहता है। योशियो उस लड़की को क्यूट बताकर पूछती है कि तुम्हें कैसी गर्ल्स पसंद हैं, या तुम्हारी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। तानाका कहता है कि तुम क्यों पूछ रही हो, क्या तुम मुझे लाइक करती हो। योशियो के कुछ ना बोलने पर तानाका स्माइल करके कहता है कि स्टार्ट तुमने किया था। योशियो कहती है कि मजाक बंद करो और जो पूछा है वो बताओ। तानाका कहता है कि मैं किसी को लाइक नहीं करता और ना ही किसी के साथ घूमने जाना चाहता हूँ। योशियो के रीज़न पूछने पर मैं कुछ नहीं बोलता। योशियो सोचती है कि पिछले 3 ईयर्स में ऐसा क्या हुआ है और उसके स्लीव पकड़कर उसे रोकती है। तानाका कहता है कि क्या हुआ, क्या सच में मुझे लाइक करती हो। योशियो कहती है कि पागल हो क्या। तानाका उसे फनी बताता है। योशियो कहती है कि अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें सच में लाइक करती हूँ तो तुम क्या करोगे। तानाका कहता है कि कुछ नहीं, मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं जाऊँगा। योशियो कहती है कि मुझे भी तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ इसलिए पूछा। तानाका कहता है कि मेरी पुरानी बातें करके मुझे परेशान मत किया करो, तुम सिर्फ आगे बढ़ने की एक्टिंग कर रही हो बट रियल में तुम पास्ट में ही हो, और चला जाता है। योशियो गुस्सा करती है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानना। टीचर सारे ग्रुप्स को 2 आवर्स के अंदर रिटन असाइनमेंट कम्प्लीट करने के लिए कहते हैं। जो ग्रुप हारेगा उसे क्लीनिंग करनी पड़ेगी। तानाका पूछता है कि कैसा असाइनमेंट, बट योशियो आंसर नहीं करती। तानाजी क्लास रिप्रेजेंटेटिव को स्लिप चूज करने के लिए कहता है। योशियो खड़ी होकर कहती है कि हम करके रहेंगे और स्लिप लेने जाती है। थोड़ी देर बाद सब लोगों को पूल साइड पर दिखाते हैं जो उन्हें क्लीन करना है। तानाका कहता है कि कोई सबसे हार्ड टॉपिक चूज करके लाया था। तानाजी आकर कहता है कि तुम में से कोई एक आकर ब्रशेस ले जाओ। मुराव लेने जाती है। कामिना तो कहता है कि तुम्हारा भाई हाई स्कूल गर्ल्स के साथ कुछ ज़्यादा ही फ्लर्ट करता है। तानाका कहता है कि मुझे नहीं, उसे बोलो। तानाजी मुराव को ब्रशेस देकर वहाँ की क्लीनिंग करने लगता है। मुराव तानाजी की हेल्प करने के लिए कहती है, बट तानाजी कहता है कि तुम्हें अपने ग्रुप के पास जाना चाहिए। मुराव को उसे रोकने पर तानाजी कहता है कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ और तुम एक स्टूडेंट, इससे ज्यादा हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। मुराव के ना मानने पर वे उसे जाने के लिए कहता है। कामिना तो कहता है कि मुराव अभी तक नहीं आई और चेक करने जाता है, बट मुराव वापस आ जाती है। योशियो पूछती है कि क्या कुछ हुआ है और मुराव के मना करने पर कहती है कि इस ट्रेनिंग का मोटिव है यूनिटी, तुम हमसे बात कर सकती हो। मुराव कहती है कि कुछ लोगों को अकेले रहना अच्छा लगता है। योशियो के सैड होने पर यूरी कहती है कि टाइम कम है, हमें क्लीनिंग करनी चाहिए। जाते हुए यूरी का पैर ट्विस्ट हो जाता है। पैर में चोट लगने पर भी वह क्लीनिंग करनी चाहती है, बट तानाका उसे रोक देता है और यूरी को अपने बैग पर आने के लिए कहता है कि मैं तुम्हें मेडिकल रूम लेकर चलता हूँ। यूरी कहती है कि मैं ठीक हूँ, बट योशियो उसे जाकर चेकअप कराने के लिए कहती है। तानाका उसे ले जाता है। कामिना तो कहता है कि अब हम 3 लोग ये काम टाइम पर कैसे करेंगे। योशियो कहती है कि अगर हमने ये काम नहीं किया तो यूरी खुद को ब्लेम करेगी और मैं ऐसा नहीं चाहती। यूरी तानाका से प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए सॉरी बोलती है। तानाका कहता है कि ये प्रॉब्लम बाकी 3ों से तो कम ही है। 3ों क्लीनिंग करते रहते हैं। कामिना तो सिंगिंग स्टार्ट कर देता है। गाना सुनकर योशियो कहती है कि हमें लॉकर रूम भी क्लीन करना है और दोनों को पूल हैंडल करने के लिए बोलकर लॉकर रूम क्लीन करने चली जाती है।
लॉकर रूम में आने पर योशियो स्पाइडर देख कर डर जाती है। तानाका के आने पर योशियो यूरी के बारे में पूछती है। तानाका कहता है कि टीचर उसे हॉस्पिटल ले गए हैं। स्पाइडर देख कर कौन चिल्लाता है और स्पाइडर हटा देता है। दोनों लॉकर रूम क्लीन करके पूल साइड आ जाते हैं और मस्ती करते हुए क्लीनिंग करते रहते हैं। क्लीनिंग टाइम पर कंप्लीट हो जाती है। यूरी आकर सबको सॉरी बोलती है। योशियो कहती है कि कोई बात नहीं। कामिनातो और तानाका ब्रशेज रखने आते हैं। कामिनातो कहता है कि तुम जानबूझकर यूरी को लेकर गए थे ना, ताकि मुराओ योशियो के बीच मैं सब हैंडल कर लूँ, तुम्हें मुझ पर इतना ट्रस्ट था। रात में दोनों को नींद नहीं आती। यूरी कहती है कि मैं तुमसे फ्रेंडशिप करके बहुत खुश हूँ। फ्यूचर में चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुराओ दोनों की बातें सुनती रहती है। थोड़ी देर बाद योशियो पानी लेने जाती है और तानाका को वहाँ देखकर उसके पास आकर पूछती है कि तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो। तानाका कहता है कि मैं जल्दी उठ गया था तो सनराइज देखने आ गया। योशियो कहती है कि स्काई बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, समझ नहीं आता दिन है या रात। तानाका कहता है कि तुम भी ऐसी ही हो। योशियो कहती है कि तुम क्यों बुलाते हो, मेरा नाम तुम नहीं है। बट तानाका कुछ नहीं बोलता और उसे अपनी जैकेट पहना कर कहता है कि यहाँ बहुत ठंड है। योशियो स्माइल करके थैंक यू बोलती है। दोनों बाकी सबको भी सनराइज दिखाने ले आते हैं। मुराओ कहती है कि मुझे लगा था कि तुम सेल्फिश हो, और उसे रूड बिहेव करने के लिए सॉरी बोलती है। दोनों स्माइल करने लगती हैं। तानाका को ठंड लगती है। योशियो कहती है कि सॉरी, मैं रूम से अपनी जैकेट लाना भूल गई। तानाका कहता है कि कोई बात नहीं, इसे पहन कर रखो। सब लोग सनराइज देखकर खुश होते हैं। कामिना तो फोटो क्लिक करने के लिए कहता है, बट चारो अपना फोन रूम में ही भूल आए। तानाका सबको देखकर फोटो क्लिक करता है। सब लोग साथ में एंजॉय करते रहते हैं। घर आने पर योशियो फोटो देखती है। तभी उसे यूरी का मैसेज आता है कि मुझे माबुची से प्यार हो गया है। नेक्स्ट डे कॉलेज में यूरी के आने पर योशियो कहती है कि कल मैं जल्दी सो गई थी तो मैं तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाई। यूरी कहती है कि मुझे लगा मैंने तुम्हें अपसेट कर दिया, क्या तुम भी माबुची को लाइक करती हो। योशियो हंसकर मना कर देती है। क्लास में एक लड़का तानाका से कहता है कि तुम्हें टीचर ने बुलाया है। यूरी उसे जाते हुए देखती रहती है। योशियो कहती है कि ऐसे तो वो समझ जाएगा कि तुम उसे लाइक करती हो। यूरी कहती है कि क्या दिख रहा है, और योशियो से पूछती है कि तुम माबुची के साथ सेम मिडिल स्कूल में थी ना, वो पहले कैसा था। योशियो हाँ बोलकर फ्लैशबैक याद करती है। सब लोग चोर पुलिस का गेम खेलते रहते हैं। योशियो छिपने जाती है और वहाँ पर तानाका से टकरा जाती है कि मैं कहीं और चली जाती हूँ। तानाका उसे रोककर कहता है कि तुम पकड़ी जाओगी। योशियो वहीं बैठ जाती है और तानाका के क्लोज जाकर उसकी फ्रेग्रेंस को अच्छा बताती है। तानाका उसे देखता है और योशियो को वहीं रुकने के लिए बोलकर खुद जाकर पकड़ा जाता है। योशियो उसे देखकर स्माइल करती है और कह देती है कि मुझे याद नहीं है। तानाका आकर योशियो से कहता है कि हमें स्कूल के बाद रुककर ये ट्रेनिंग रिपोर्ट लिखकर सबमिट करनी है। यूरी कहती है कि काश मैं भी माबुची के साथ रुक सकती। योशियो सुन लेती है। स्कूल के बाद तानाका के आने पर योशियो यूरी के बारे में सोचकर तानाका को घर जाने के लिए कहती है कि ये मैं कर लूंगी। तानाका कहता है कि मैं सारा काम तुम पर छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। दोनों रिपोर्ट लिखते रहते हैं। योशियो तानाका को ही देखती रहती है कि ये कितना परफेक्ट और चार्मिंग है। तानाका देखकर कहता है कि रुक क्यों गई। थोड़ी देर बाद तानाका कहता है कि मेरा काम हो गया, जब तुम्हारा हो जाए तो मुझे उठा देना। योशियो के उसके क्लोज जाने पर तानाका कहता है कि तुम हमेशा ये क्या करती रहती हो, ट्रेनिंग टाइम पर भी और स्कूल में चोर पुलिस के गेम में भी। योशियो कुछ नहीं बोलती और जाते हुए कहती है कि मैं रिपोर्ट सबमिट करके आती हूँ। तानाका ओके बोलकर उसे रिपोर्ट देकर चला जाता है। योशियो रिपोर्ट सबमिट करके जाती है और वहाँ पर तानाका को देखकर शॉक हो जाती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तानाका कहता है कि तुम्हें तो बोला था रिपोर्ट सबमिट करके आती हूँ। योशियो कहती है कि इसका मतलब था तुम घर जाओ। तानाका कहता है कि साथ में चलते हैं और स्माइल करता है। दोनों स्टेशन आ जाते हैं। तानाका के ट्रेन में जाने पर योशियो कहती है कि मैं कुछ भूल गई, और सोचती है कि अगर तानाका ट्रेन से नहीं उतरा तो मैं इस पर गिव अप कर दूंगी, और अगर उतर गया तो मैं इससे ही प्यार करूंगी। योशियो आईज क्लोज कर लेती है। ट्रेन चली जाती है। आईज ओपन करने पर सामने तानाका होता है। योशियो कहती है कि मैं कुछ नहीं भूली। तानाका कहता है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, और उसके लिए पानी लेकर आता है। योशियो पे करने के लिए कहती है। तानाका मना करके उसका बैग देखकर कहता है कि ये तुम्हारा बैग है। योशियो कहती है कि ये हमेशा साफ रहता है। तानाका उसे देखता रहता है और पूछता है कि तुमने परफ्यूम लगाया है क्या। योशियो के मना करने पर तानाका कहता है कि तुम्हारा शैम्पू अट्रैक्टिव है, और योशियो को देखकर कहता है कि कुछ तो बोलो। योशियो कहती है कि मजाक करते हुए तो सीरियस मत हुआ करो।
घर आने पर योशु महंगा शैम्पू लेकर आती है। यूरी का मैसेज आता है कि तानाका मुझे अपनी कॉमिक देने के लिए मान गया। कॉलेज में योशु सैड होकर बैठी रहती है। तानाका के आने पर वह डर जाती है। तानाका अपने भाई से छिपता रहता है। तानाजी के जाने पर योशु पूछती है कि क्या हुआ। तानाका कहता है कि वो मुझे साथ में डिनर करने के लिए बोल रहा था और योशु से पूछता है कि क्या तुमने अपना शैम्पू चेंज किया। योशु हाँ बोलकर कहती है ताकि तुम्हें मैं और अट्रैक्टिव लगूं। तानाका कहता है कि ऐसे पता लगाना मुश्किल है कि ये जोक था और चाहते हुए कहता है कि यूरी तुम्हें ढूंढ रही है। योशु यूरी के पास आकर उसे स्कूल के बाद घूमने चलने के लिए कहती है। यूरी मुराओ को भी इनवाइट करती है। तीनों को कैफे में दिखाते हैं। योशु यूरी को बता देती है कि मैं भी मामूजी को लाइक करती हूँ। यूरी कहती है ये अच्छा है, वो है इतना कूल, हम दोनों से लाइक करेंगे, देखते हैं वो किसको चूज करेगा। और मेनू लेने के बहाने वॉशरूम आकर रोने लगती है। वापस आने पर दोनों उसका फेस देखकर समझ जाती है कि ये रोई है। मुराओ भी बता देती है कि मैं टीचर तानाजी को लाइक करती हूँ, तुम दोनों को एक दूसरे की बहुत फिक्र है इसलिए मैं तुम दोनों के साथ हूँ, क्या पता तुम दोनों ही रिजेक्ट हो जाओ, और उन्हें हंसाने की कोशिश करती है। घर जाते हुए योशु तानाका को देखकर पूछती है कि तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो। तानाका कहता है कि सीक्रेट है। योशु छिपकर उसे देखती है। उसे बैड बॉयज के साथ देखकर वह उसके पास जाती है कि ये सब क्या कर रहे हो। साइड वाला लड़का पूछता है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, और तानाका के मना करने पर कहता है कि क्या मैं इसे गर्लफ्रेंड बना सकता हूँ। उस लड़के के योशु के पास जाने पर तानाका कहता है कि वन वीक से नहीं नहाई, इसके बालों से स्मेल आ रही है, और उसे अपने साथ ले जाता है कि वहाँ स्टेशन है, घर जाओ। योशु पूछती है कि क्या तुम नहीं जा रहे, और उसके कुछ ना बोलने पर उसके पीछे जाती है। दोनों बातें करने लगते हैं। तानाका कहता है कि मैं सिर्फ वहाँ पर टाइम पास करने गया था, मैं उन लोगों को नहीं जानता, सिर्फ उनसे बातें कर रहा था। योशु कहती है कि अगर तुम चाहो तो मुझसे बातें कर सकते हो, और तानाका के देखने पर कहती है कि मेरा मतलब हम सबसे। कैट को वहाँ देखकर तानाका कहता है कि शायद इसने काफी टाइम से कुछ नहीं खाया। योशु कहती है कि अगर तुम्हें इतनी फिक्र है तो इसे अडॉप्ट कर लो। तानाका कहता है कि फिर मुझे इसकी केयर होने लगेगी जो मैं नहीं चाहता, और केयरिंग आगे चलकर पेन बन जाती है। योशु दोनों को भी ये बातें बता देती है। मुराओ कहती है कि वो तो खुश लग रहा है और उसे ही देखती हैं। एग्जाम के बाद तीनों अपने मार्क्स देखती हैं। कामिनातो आकर कहता है कि मुश्किल से मुझे अपना नाम 50th प्लेस पर मिल ही गया, और 49th पर मुराओ का। हम वहाँ भी साथ हैं। क्लास 1 के कुछ स्टूडेंट आकर तानाका का मजाक उड़ाते हैं कि तुम क्लास 3 के ही लायक हो, क्लास 1 में तुम सिर्फ अपने भाई की वजह से थे। तानाका कुछ नहीं बोलता, बट कामिनातो उनसे फाइट करने लगता है। तानाका के रोकने पर कामिनातो कहता है कि मेरे फ्रेंड के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं। दोनों के जाने पर तानाका कामिनातो को रोक लेता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। तीनों दोनों को बातें करते हुए सुनती रहती हैं। तानाजी कहता है कि अगर तुमने ऐसे ही स्टडी पर फोकस नहीं किया तो तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। तानाका कहता है कि अच्छा है। तीनों कहती हैं कि अगर ये सच में कॉलेज से चला गया तो। योशु कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। मॉर्निंग में तानाका के पास कामिनातो का कॉल आता है कि हम तुम्हारे घर ग्रुप स्टडी करने आ रहे हैं। तानाका शॉक हो जाता है कि ग्रुप स्टडी। सब लोग वहाँ आ जाते हैं और तानाका से कहते हैं कि हम जिस सब्जेक्ट में अच्छे हैं वो तुम्हें पढ़ाएंगे, बट तानाका मना करके लेट जाता है। सब लोग पढ़ते रहते हैं और तानाका सोने की एक्टिंग। वह कामिनातो को योशु के साथ देख कर बीच में आ जाता है। योशु कहती है कि अगर स्टडी नहीं करोगे तो स्नैक्स भी नहीं मिलेंगे। तानाका आकर बैठ जाता है और सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व कर देता है। यूरी पूछती है कि क्या तुम्हें स्टडीज पसंद नहीं है। तानाका कहता है कि ऐसा नहीं है, बस मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं, और पानी लेने चला जाता है। तीनों ड्रिंक्स लेने बाहर जाते हैं। कामिनातो योशु से कहता है कि तुम्हें तानाका की हेल्प करनी चाहिए, और उसे इशारा करता है। योशु मुराओ से दोनों को साथ जाने के लिए कहती है। कामिनातो स्माइल करके चला जाता है। यूरी रूम में तानाका के टॉयज और उसकी डायरी देखती है। उसमें कुछ लिखा देखकर वह शॉक हो जाती है। योशु रूम में तानाका की मॉम की फोटो देखती है। तानाका आकर कहता है कि मैं बस इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि तुम मुझे ऐसे देखती। तानाका के जाने पर योशु कहती है कि प्लीज कॉलेज मत छोड़ना। अब दिखाते हैं 3 साल पहले का सीन। तानाका स्टडी करता रहता है। मामा आकर उसे डिनर करने के लिए कहती हैं, पर तानाका कहता है कि मुझे स्टडी करके आपकी लाइफ को इजी बनाना है। डॉक्टर तानाका को बताता है कि तुम्हारी माम को लंग्स कैंसर है, उनके पास सिर्फ 6 मंथ हैं। तानाका अपनी माम को सॉरी बोलता है कि ये सब मेरी गलती है, मैं आपको टाइम नहीं दे पाया, और खुद घर पर अकेला बैठा रहता है, फ़ोन का भी आंसर नहीं करता। तानाजी उसे वॉइस मैसेज करता है कि माम को तुम्हारी फिक्र हो रही है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। तानाका गुस्से में फ़ोन फेंक देता है और रोने लगता है।
नेक्स्ट डे वह किचन में तानाजी को देखता है कि तुम फिर आ गए। तानाजी पूछता है कि चारों यहाँ आए थे क्या। तानाका कहता है कि क्या तुमने उन्हें एड्रेस बताया था। तानाजी हाँ बोलकर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, बताओ क्या खाओगे। तानाका कहता है कि मुझे भूख नहीं है। उसे बाहर ब्रेड खाते हुए दिखाते हैं। नेक्स्ट डे योशियो फिर से ग्रुप स्टडी करने के लिए कहती है। मुराओ कहती है कि तुम लोग करो और चली जाती है। मुराओ के ड्रिंक लेने पर तानाजी आकर कहता है कि ये मेरी तरफ से थैंक यू है क्योंकि तुमने तानाजी की स्टडी में हेल्प की, और बाकी सबके लिए भी ड्रिंक्स देता है कि उन्हें दे देना। और मुराओ को तानाका का ध्यान रखने के लिए बोलकर जाता है। मुराओ कहती है कि मैं उसकी हेल्प जरूर करूंगी। तानाका की क्लास में आने पर योशियो पूछती है कि क्या आज तुम फ्री हो। मुराओ अगर कहती है कि मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाऊंगी। सब लोग उसे देखते हैं। यूरी कहती है कि माँ पूछिए अभी तक नहीं आया। मुराओ कहती है कि वो घर तो नहीं चला गया। यूरी उसे कॉल करती है बट वह रिसीव नहीं करता। योशियो तानाका को ढूंढने जाती है और किसी से टकरा कर गिर जाती है। योशियो के हेयर उसके स्लीव में फंस जाते हैं। योशियो के सीजर्स मांगने पर वह लड़का अपना बटन तोड़कर कहता है कि गर्ल्स के हेयर कट करना अच्छी बात नहीं है। योशियो से थैंक यू बोलकर चली जाती है। यह है तोमा। योशियो तानाका के घर की बैल बजाती रहती है। तानाजी उसे देखकर कहता है कि तानाका घर नहीं आया। योशियो वेट करने के लिए कहती है। तानाजी के मना करने पर भी वह अंदर आ जाती है। तानाजी कहता है कि जब तक मैं यहाँ हूँ वो घर नहीं आएगा क्योंकि वो मुझसे नाराज है। जब मॉम हॉस्पिटल में थी मैं तब भी अपने काम में ही बिजी था और कभी कभी उनके पास आता था। मैंने सब कुछ तानाका पर छोड़ दिया था जबकि वो सिर्फ हाई स्कूल स्टूडेंट था। मैं मॉम को हॉस्पिटल में देखकर डरता था बट तानाका को ये सब डेली फेस करना पड़ा। वैसे वो बहुत अच्छा है। योशियो कहती है कि मुझे पता है इसीलिए मैं यहाँ हूँ। और तानाजी की हेल्प करके जाती है। तानाका को उन्हें बॉयज के पास दिखाते हैं। वे कहता है कि बहुत दिनों बाद आए हो, कहाँ बिजी थे। योशियो भी वहीं आ जाती है। तानाका को उसे देखकर पास याद आता है। योशियो उसे अपने साथ ले जाती है। तानाका उसे छोड़ने के लिए कहता है बट योशियो मना कर देती है कि तुम भाग जाओगे। अगर तुम्हारी मॉम तुम्हें ऐसे देखेगी तो सैड होंगी। तानाका कहता है कि पता है बट मैं मूव ऑन नहीं कर सकता। मैंने अपनी मॉम को उस कंडीशन में देखा है। तुम नहीं समझ सकती कि मुझे कैसा फील होता है। योशियो कहती है कि पता है बट मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ। और रोते हुए उसे हिट करने लगती है। तानाका कहता है कि इस मैटर में इन्वॉल्व मत हो। तानाका के जाने पर योशियो उसे रोकती है बट तुम गिर जाते हैं। योशियो कहती है कि तुम्हें भी हमारी फिक्र है ना। तुमने जो खोया है उसे धीरे धीरे करके पाने की कोशिश करो। जो करना है करो बट हारो मत। अगर कोई तुम पर हंसा तो मैं उसे बहुत मारूंगी। तानाका उसे देखता है और हक कर लेता है। तानाका के दोबारा हक करने पर योशियो समझ जाती है कि ये मेरे सामने रोना नहीं चाहता। तानाका कहता है कि मैं अब ठीक हूँ और उसे बताता है कि क्या तुम्हें याद है स्कूल में चोर पुलिस के गेम में जब तुम मुझे बचाने आई थी तब खुद भी पकड़ी गई थी। योशियो कहती है कि क्या तुम फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तानाका कहता है कि मजाक नहीं है। तुम उस टाइम पर मुझे कूल हीरो लग रही थी। योशियो कहती है कि तुम्हें बचाने तो आना ही था। तानाका कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और योशियो को भूख लगने पर उसे घर जाते हुए कुछ खाने के लिए कहता है। योशियो कहती है कि तुम्हें घर जाकर डिनर करना चाहिए। टीचर तानाजी तुम्हारा डिनर पर वेट कर रहे हैं। उन्हें बुरा फील होता है कि तुम्हें जरूरत होने पर वो तुम्हारे साथ नहीं थे। तानाका घर आ जाता है और तानाजी से कहता है कि मुझे भूख लगी है। दोनों साथ में डिनर करते हैं। तानाजी रोते हुए कहता है कि मैं इस दिन का काफी टाइम से वेट कर रहा था। तानाका कहता है कि मॉम के जाने के बाद मुझे नहीं लगा था कि मैं फैमिली के साथ डिनर कर पाऊंगा। मुझे समझ नहीं आया कि क्या सही है और क्या गलत। तानाजी कहता है कि हमारी मॉम बहुत अच्छी थी और उसे डिनर करने के लिए कहता है। तानाका कहता है कि क्या मैं अपना नाम चेंज करा सकता हूँ। वह हाँ बोल देता है। मॉर्निंग में योशियो कल वाली बात ही सोचती रहती है और तानाका के आने पर उसे मॉर्निंग विश करती है। दोनों एक दूसरे को देखकर ऑकवर्ड फील करते हैं। तीनों आकर कहते हैं कि तुम बिना बताए कैसे जा सकते हो। तानाका सॉरी बोलकर कहता है कि क्या आज तुम लोग फ्री हो। सब लोग ग्रुप स्टडी करते रहते हैं। मुराओ तानाका को इंग्लिश पढ़ाती है। तानाका क्लास में भी अच्छे से फोकस करता है। नेक्स्ट डे तानाका योशियो से पूछता है कि तुम किस सब्जेक्ट में अच्छी हो। उसके केमिस्ट्री बताने पर वे उसे पढ़ाने के लिए बोलकर उसे टीचर बुलाता है। यूरी दोनों को देखती रहती है। तानाका एग्जाम में चारों से अच्छे मार्क्स लाता है। कामिना तो कहता है कि अब हम समर ब्रेक एंजॉय कर सकते हैं। यूरी तानाका से पूछती है कि क्या तुम समर ब्रेक फेस्टिवल चलोगे। तानाका हाँ बोलकर बाकी सबको भी चलने के लिए कहता है। यूरी फेस्टिवल में रेडी होकर आती है। मुझे मामूजी को इम्प्रेस करना है। तानाका आकर यूरी को देखकर प्रीटी बताता है। योशियो उन्हें देखती रहती है।
यूरी तानाका से ही बातें करती रहती है। योशियो उन्हें देखकर जालस होती है। यूरी के गिरने पर तानाका उसे पकड़ लेता है। वह तानाका को ही पकड़ कर चलने के लिए कहती है। कामिनातो और मुराओ कॉटन कैंडी लेने चले जाते हैं। एक बच्चे के योशियो से टकराने पर उसकी शर्ट खराब हो जाती है। वह दोनों को साथ में देख कर सैड होती है। तोमा भी वहाँ होता है और योशियो को देख कर पूछता है कि क्या हुआ और उसकी ड्रेस क्लीन करने की कोशिश करता है और ना होने पर उसे वॉश करने के लिए लेकर जाता है। तानाका उन्हें जाते हुए देखकर उसके पीछे जाकर तोमा से कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है। तोमा कहता है कि फिर तुमने इसे अकेला क्यों छोड़ा। योशियो कहती है कि हम बस ड्रेस वॉश करने जा रहे थे और तानाका को वेट करने के लिए बोलकर चली जाती है। बाकी भी आ जाते हैं। मुराओ कहती है कि ये तो वही लाइब्रेरी बॉय है और तानाका को बताती है कि योशियो उस पर गिर गई थी। तानाका जालस होकर जाता है। यूरी को भी साथ जाते हुए दिखाते हैं। तोमा योशियो से कहता है कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड ठीक है। योशियो कहती है कि वो सिर्फ फ्रेंड है और दोनों को साथ में जाते हुए देखती है। दोनों अभी तक वापस नहीं आए। रास्ते में यूरी के पैर में चोट लगने पर तानाका बैंडेज लगाता है। यूरी कह देती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तानाका के सॉरी बोलने पर वे उसे वापस चलने के लिए कहती है। यूरी ने तानाका की डायरी में योशियो का नाम देखा था। योशियो उसे देखने आती है। यूरी कहती है कि तुम्हारे आते ही मैं ठीक हो गई। योशियो तानाका से पूछती है कि यूरी को क्या हुआ। तानाका कहता है कि मुझे नहीं पता। योशियो सोचती है कि शायद यूरी ने इसे बता दिया कि वो इसे लाइक करती है और खुद आई लव यू बोलने की प्रैक्टिस करती है। तानाका पूछता है कि क्या कुछ बोल रही हो और उसके गिरने पर उसे पकड़ लेता है। जाते हुए योशियो लैंटर्न फेस्टिवल का फ्लायर देखती है। तानाका उसे फेस्टिवल में चलने के लिए कहता है और योशियो के देखने पर कहता है कि नहीं जाना तो रहने दो। योशियो उसे रोककर कहती है कि जाना है। दोनों मस्ती करते हुए जाते रहते हैं। तानाका उसे युकाता पहन कर आने के लिए कहता है। आने पर तानाका योशियो को कॉल करके कहता है कि सॉरी मैं फेस्टिवल में नहीं आ पाऊंगा, मुझे कुछ जरूरी काम है। योशियो सैड हो जाती है। समर ब्रेक पूरे हो चुके हैं। योशियो का तब से तानाका से कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ। योशियो कॉलेज आ जाती है। तानाका ने योशियो का मैसेज भी सीन नहीं किया। दो बॉयज बातें करते रहते हैं कि उसने ब्रेक्स में स्कूल ट्रांसफर कर लिया। योशियो दौड़कर क्लासरूम में आती है और तानाका को वहां देखकर उसे हिट करती है। तानाका कहता है कि मैं नागासाकी गया था। योशियो कहती है कि तुमने मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया। तानाका कहता है कि मैं उस कैट की केयर करने में बिजी था क्योंकि वो बीमार है, मैंने उसे अडॉप्ट कर लिया है। योशियो के उसे क्यूट बताने पर वह स्माइल करने लगता है। तानाका पहले से बिल्कुल चेंज हो गया है। अब वो अच्छे से पढ़ाई भी करता है और सबकी केयर भी। तानाका अपना फोन देखता रहता है। तीनों उसे देखकर कहती है कि पता नहीं ब्रेक में किससे बातें करता है, मेरे मैसेज का आंसर तो नहीं देता। योशियो के गुस्से वाली इमोजी भेजने पर तानाका कहता है कि क्या हुआ। योशियो कहती है कि कुछ नहीं। तानाका कहता है कि फिर ऐसे ही कुछ भी सेंड मत करो। तोमा दोनों को साथ में देखता है। उसके फ्रेंड कहते हैं कि तुम लेट हो गए। तोमा कहता है कि उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। तानाका योशियो से कहता है कि क्या कहना है, तुम्हें ने मुझे यहाँ बुलाया है। योशियो पूछती है कि तुम नागासाकी क्यों गए थे। तानाका बताता है कि दोस्त के फादर की डेथ हो गई थी तो फ्यूनरल में गया था। उस लड़की के डैड भी उसी हॉस्पिटल में थे जहाँ मेरी मॉम थी, तो हम बहुत क्लोज हैं। योशियो कहती है कि क्या हमेशा उसे ही मैसेज करते रहते हो। तानाका हाँ बोलकर कहता है कि वो अब यहाँ शिफ्ट हो गई है, मुझे पता है उसे क्या फील हो रहा होगा, और उसी लड़की का कॉल आने पर चला जाता है। जाते हुए वह तोमा को वहाँ देखता है। तोमा योशियो के पास आकर कहता है कि क्या तुम्हारी लड़ाई हो गई। योशियो कहती है कि मैं ठीक हूँ। तोमा उसे देखकर स्माइल करता रहता है। रास्ते में तानाका उस लड़की को कॉल करके कहता है कि मुझे अपने फ्रेंड के पास जाना है, और वापस आकर दोनों को साथ देखकर सैड होकर चला जाता है। तोमा उसे देख लेता है बट योशियो को नहीं बताता। स्कूल फंक्शन की प्रिपरेशन चलती रहती है। योशियो तानाका को फोन पर बातें करते हुए देखकर सैड होती है। तानाची मुराओ के साथ स्वीटली बिहेव करता है। कामिनातो देखकर कहता है कि अगर तुमने मुराओ को हर्ट किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तानाची कह देता है कि हर्ट नहीं करूंगा। जेंडर स्वैप कैफे में बॉयज यूरी को रेडी होने के लिए कहते हैं। योशियो तानाका को देखकर गुस्सा करती है। बॉयज आकर तानाका से कहते हैं कि क्या अपने गर्लफ्रेंड से बातें कर रहे हो। तानाका मना कर देता है। तोमा योशियो के स्नैक्स को टेस्टी बताकर टेस्ट करके चला जाता है। तानाका भी उन्हें देखता है और योशियो को देखकर उसके पास आता है। योशियो कहती है कि हमें 4 बजे तक सब रेडी करना है। तानाका वहाँ नहीं होता। योशियो सोचती है कि घर चला गया होगा और मेड की ड्रेस पहनकर रेडी हो जाती है। तोमा आकर कहता है कि क्या तुम ये पहनने वाली हो। योशियो कहती है कि मैं तो सिर्फ ट्राई कर रही थी, वैसे भी ये तो क्यूट गर्ल्स पर अच्छा लगता है। तोमा कहता है कि तुम भी क्यूट हो। योशियो कहती है कि मजाक मत करो। तोमा उसे प्रिटी बताता है। तभी आवाज़ आती है कि क्या मैं अंदर आ जाऊँ, जो होता है तानाका।
तोमा बाय बोलकर चला जाता है। योशू तानाका से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तानाका कहता है कि ये तुम पर सूट नहीं कर रहा है, अगर तुम्हें फ्लर्ट करना है तो कहीं और जाकर करो। योशू के रोने पर तानाका उसे सॉरी बोलता है। योशू कहती है कि मैं रो नहीं रही। तानाका उसे हक करके रोने से मना करके किस कर लेता है। योशू उसे देखती है। तानाका कुछ कहने वाला होता है बट तभी उसी लड़की का कॉल आ जाता है। घर जाते हुए योशू कहती है कि तुम मेरी ड्रेस में अच्छे लगोगे और बाय बोल कर चली जाती है। घर आने पर तानाका कामिनातो को वहाँ देखकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कामिनातो कहता है कि तुम अपसेट थे तो मैं आ गया, मुझे तुम्हारी लाइफ में भी पहले ही आ जाना चाहिए था ताकि सारा पेन तुम्हें अकेले ही फील ना करना पड़े। तानाका अपने कैट को लेने जाता है। कामिनातो भी वही बुक देखता है। तानाका वापस आकर बुक लेकर कहता है कि क्या तुमने देख लिया। कामिनातो कहता है कि तो तुम योशू को लाइक करते हो और खुशी से चिल्लाने लगता है। तानाका के चुप करने पर कामिनातो कहता है कि इसके लिए तुम्हें उस लड़की से दूर रहना होगा। तानाका कहता है कि मैंने योशू के बारे में अभी कुछ नहीं सोचा, आज स्कूल फेस्टिवल है, गर्ल्स बटलर बनी है और बॉयज मेड। कामिनातो मुराओ को कूल बताकर उसकी फोटो क्लिक करता है। तानाका के लेग्स कवर करने के लिए बोलने पर कामिनातो कहता है कि मैंने इन्हें स्मूथ बनाने के लिए शेव किया है, कवर नहीं करूंगा। तोमो योशू से मिलने आता है। तानाका उन्हें देखता है, दोनों बातें करते रहते हैं। तानाजी मुराओ को देखता रहता है। बॉक्स हैवी होने पर कामिनातो उसकी हेल्प करता है। मुराओ पूछती है कि तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ। कामिनातो कहता है कि टीचर तानाजी ने भेजा है, मुझे पता है कि तुम उन्हें लाइक करती हो, मैं भी उन्हें दिखा दूंगा कि मैं कितना कूल हूँ। तानाका कस्टमर को आने के लिए थैंक यू बोलता है। तोमो योशू को अपने बैंड परफॉर्मेंस में इनवाइट करता है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा। तानाका देखकर कहता है कि मैं इससे नहीं हारूंगा। तीनों वहां आ जाती हैं और तानाका भी कि मैं वहां बोर हो रहा था। परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है। योशू तानाका के साथ बिताया टाइम याद करके इमोशनल हो जाती है। योशू के टर्न करने पर दोनों का किस हो जाता है। तानाका पूछता है कि क्या तुम ठीक हो और उसके हाथ बोलने पर चला जाता है। बाहर आकर वह वही मोमेंट याद करता है। फंक्शन खत्म होने पर सब लोग क्लीनिंग में लगे रहते हैं। बाहर कचरा डालने आने पर मुराओ को वहां पर एक वॉलेट मिलता है जो होता है तानाजी का। योशू तोमा की परफॉर्मेंस को अमेजिंग बताती है। तोमा कहता है कि तुम कहीं खोई हुई थी, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, उसे भूल जाओ। योशू के सैड होने पर तानाका आ जाता है बट योशू तोमा से बातें करती रहती है। तानाका कहता है कि क्या तुम उस मोमेंट की वजह से परेशान हो। योशू के जाने पर तानाका उसके पीछे जाता है। तोमा उसे रोक देता है बट तानाका चला जाता है। तानाका योशू से पूछता है कि भाग क्यों रही हो। मुराओ वॉलेट देने आती है और तानाजी के थैंक यू बोलने पर कहती है कि मुझे प्राइस चाहिए। तानाका पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। मुराओ कहती है कि मुझे तुम्हारा सीक्रेट आई मोल देखना है। तानाजी उसे दिखा देता है। योशू तानाका को पावर बताकर उसे हिट करती है। तानाका सॉरी बोलकर कहता है कि मैंने वो जानबूझकर नहीं किया, अपसेट मत हो। योशू गुस्सा करती रहती है। तानाका आकर उसे किस कर लेता है कि ये एक्सीडेंट नहीं है।